स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। चलेंगे शाम को और देखते हैं स्टेडियम के आसपास का कैसा माहौल है। टिकट ऑफलाइन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, टी-शर्ट्स वगैरह क्या रेट पे मिल रही है, सारा देखेंगे। और बाकी मेरी टिकट तो डिलीवर हो चुकी थी, बड़ी मुश्किल से मिली, दो दो चार चार घंटे लाइन में लगने के बाद ऑनलाइन लाइन बुक माई शो पे। डिलीवरी चार्ज और बुकिंग फीस मिला के 3,800 कुछ रुपए का, मोटा मोटा 4,000 रुपए मान ली एक टिकट का। तो चलो फिर भाई देखते हैं अहमदाबाद एक बार फिर से। सुन 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 बनता है मुंबई के स्लैंग में कैसे देश भर में छा गए लाइफ मैन का स्वैग है 2007 से लेकर आज तक पूरे 15 साल तक। क्लास और फॉर्म की बात तो दोनों रहा जबरदस्त, कैप्टनशिप के साथ में अभी जाना बहुत दूर तक वर्ल्ड कप पे लाना। भाई यहाँ का जो मौसम है वो शाम के समय काफी ठंडा हो जाता है और लगभग सारी हाईवेज पे जो है यहाँ पे पेड़ देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा हरियाली है अहमदाबाद में। हुकूमत में प्यार और दुआएं तो हमेशा से है साथ में, शर्मा जी का लड़का इस बार कप लाएगा देश में। शेर है ये बंदा तभी शेर वाली दहाड़ है, 5 बार सेंचुरी एक वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड है, ये 100 के पास भी जाए तो लगता आज तो 200 है, कह देना भाई अगर। तो भाई ये है BRTS का स्टैंड, देख लो जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो चलती है उसी के तर्ज पे यहाँ पे बसेस चलती हैं, उनकी अलग लेन होती है और सड़क के बीच में ही स्टेशन बने होते हैं, ये है। तो वही यहाँ पे चलती है BRTS, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं। बल्ले से शॉट जिसे बैट नहीं बुलेट है, तेजी से बाहर जाए बॉल जिसे रॉकेट है, फ्रंट फुट पे पुल शॉट जिसे बॉलर को चमाटे, प्लानिंग हर कदम पे ये शतरंज वाला दिमाग है ये कैप्टन है। तो भाई स्टेडियम पहुँचने ही वाले हैं और 1.5 किलोमीटर बचा है और ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया है। आ गए हैं स्टेडियम के पास और इधर जो है ये गेट दिख रहा होगा सामने, जर्सी मिल रही है यहाँ पे, माहौल तो एकदम तगड़ा हो रहा है यहाँ पे। कूल और मूव सबसे हटके, खेल के अव्वल खेली इनसे रहना थोड़ा बच के, जितना हार्ड इनका गेम उतने हार्ड इनके रिप्लेस। तो भाई इधर पीछे सुपर फैन मिले हैं तो कितनी एक्साइटमेंट है इंडिया पार्क में। जबरदस्त 3 दिन से मैं ऐसे ही घूम रहा हूं, ऐसे ही पेंडिंग करके हर जगह अलग अलग जगह जा रहा हूं। इस बार जो बाहर है जबरदस्त, मुझे लगता है गोल नहीं इस बार वर्ल्ड कप का नया त्यौहार आ गया। तो टिकट का क्या था, टिकट आसानी से मिली थी? चलो बहुत बढ़िया, गुड लक, आपको टिकट मिल जाए और साथ में मैच देखेंगे। चलो टिकट नहीं मिली अरुण भाई, अभी हम लोग को टिकट नहीं मिल पाएगी अभी। टिकट का भाई यही मसला है, टिकट यहाँ पे मिलना बहुत बड़ी चीज हो गई है। इसका एंट्री गेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम या इसी को मोटेरा स्टेडियम बोलते हैं, दुनिया का बिगेस्ट स्टेडियम है, 1,25,000 कैपेसिटी है इसकी ऑफिशियल जो है। हर चैनल वाले यहाँ पे आके इंटरव्यू ले रहे हैं। इधर जो भाई भीड़ लगी है ये आज तक वाले, इधर जो थोड़ी सी भीड़ लगी ये स्पोर्ट्स तैयारी वाले हैं जिनका चैनल है, और इधर NDTV वाले हैं। तो सारे चैनल्स वाले लगभग जितने भी मेजर चैनल्स हैं स्पोर्ट्स को कवर करते हैं वो सब आ गए हैं यहाँ पे। बाकी टिकट तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाए, फिर भी इसी उम्मीद में आए कि ऑफलाइन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन टिकट की कोई उम्मीद नहीं है, ऑफलाइन नहीं मिलेगा, नो काउंटर डिलीवरी दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सुपर क्रेजी फैन है उनको भी टिकट नहीं मिल पाई, और पीछे टी-शर्ट्स और कैप ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी बाकी वो भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या रेट चल रहा है टी-शर्ट का। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं टी-शर्ट लेने, सारी चीज़ें हो गई लगभग, मैंने दिखा दी है यहाँ पे। तो टी-शर्ट यहाँ पे 200, 250, 300 और 150 अलग अलग रेट में, कितनी बार्गेनिंग स्किल हो तुम्हारे अंदर, और मेरे साथ तो सेल्स वाला आदमी है तो भाई इसका माल खरीदना माल बेचना यही काम ही है। तो ये भाई कम कर पाएगा बोला 150 रुपया देगा। तो हम इकोली भरी है सारी रोहित लोग, हाँ बोली में जॉब एकदम थक लाइफ, आप बल्ला इनका चलता तो रुकने का नाम नहीं है, खड़े खड़े चक्के भागने का काम नहीं, इस खेल पे करते राज भले से खेल ये विदेश का, आज हिटमैन सिर्फ नाम नहीं है इमोशन है देश का, वी आर प्राउड ऑफ। दो रोहित शर्मा की और एक विराट कोहली की है, तो और ये कैप भी ली है, दो कैप ली है, कैप जो है 150 की 2 मिल गई है। बाकी हमारे साथ सेल्स मैनेजर हैं, तो भाई बार्गेनिंग स्किल बहुत तगड़ी इनकी, मैं होता तो 150 की 1 ही लेता, ये 150 की 2 ले आए। और उसके अलावा जो टी शर्ट्स हैं वो 150 की 1 पड़ी है तो 3 लिए हैं, 450 की वो पड़ी है। तो यही माहौल है भाई, बहुत कर्रा माहौल है यहाँ का।